इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर रॉक्स, आपको पता होगा रशिया ने यूक्रेन के ऊपर फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट कर दिया है। पर आपने सोचा है रशिया ने ऐसा क्यों किया जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो? 1991 सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद रशिया हर उस कंट्री पर अटैक कर ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है जो उससे अलग हुआ था। 2008 में उसने जॉर्जिया के दो पार्ट अबखाजिया और ओसेटिया को ऑक्यूपाई किया। 2014 में उसने क्रीमिया को कैप्चर किया। अब शायद यूक्रेन की बारी है। वैसे रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन हमेशा से था, बट सिचुएशन सबसे ज्यादा बिगड़ी जनवरी 2021 में, जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन को रिक्वेस्ट किया कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने दे। एक्चुअली नाटो 30 देशों का ग्रुप है जिसके बीच मिलिट्री अलायंस है। इस अलायंस के तहत अगर कोई भी देश नाटो के 30 देशों में से किसी देश पर अटैक करता है तो बाकी की कंट्री उसे मिलिट्री सपोर्ट देगी, और इसी बात को रशियन प्रेसिडेंट बर्दाश्त नहीं कर पाए और जनवरी 2021 से ही यूक्रेन के बॉर्डर के पास पहले मिलिट्री एक्सरसाइज और बाद में मिलिट्री ट्रुप्स और आर्टिलरी को बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के वार्निंग के बाद भी रशिया ट्रुप्स बढ़ाता जा रहा था। यूक्रेन के दो स्टेट डोनेस्क और लुहांस्क, जिसमें पहले से ही रशियन सपोर्टेड रेबल ग्रुप्स का ऑक्यूपेशन है, ये ग्रुप्स ऑलरेडी 2014 में यूक्रेनियन आर्मी के साथ लड़ चुके हैं ऑब्वियसली रशिया के सपोर्ट से, और इस दो स्टेट को ऑक्यूपाई कर लिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में दो बार मिंक्स एग्रीमेंट भी हुआ, एक बार 2014 में और दूसरी बार 2015 में, टू एस्टैब्लिश सीज फायर। बट वही भारत पाकिस्तान की तरह सीज फायर वायलेशंस होते रहे और 15,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी है। अभी कुछ महीनों से रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे टेंशन और भी बढ़ गई थी। रशिया सडनली बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री ट्रुप्स और आर्टिलरी बढ़ाने लगा। ऑफ कोर्स नाटो कंट्रीज, यूएनए एंड स्पेशली अमेरिका ने रशिया के इस मूव को कंडेम किया, बिल्कुल हमारे लीडर्स की तरह। इवन अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकी भी दे डाली। पुतिन इज द एग्रेसर, पुतिन चोज दिस वॉर एंड नाउ ही एंड हिज कंट्री विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। टुडे आई एम ऑथराइजिंग एडिशनल स्ट्रांग सैंक्शंस एंड न्यू लिमिटेशंस ऑन व्हाट कैन बी एक्सपोर्टेड टू रशिया। सिचुएशन इतना एस्केलेट हो गया था कि लग रहा था कि दिस कुड स्टार्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अचानक 19 फरवरी को एक खबर आई कि रशिया बॉर्डर एरिया से अपने ट्रुप्स को डीएस्केलेट कर रहा है। दुनिया ने इस खबर से राहत की सांस ली। फिर अचानक 21 फरवरी को रशियन प्रेसिडेंट ने डोनेस्क और लुहांस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। नाटो कंट्रीज केम अप विद हेवी इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया एंड कंडेम्ड दिस मूव। रशिया फिर भी नहीं रुका एंड इट स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड वॉर ऑन यूक्रेन। इसका कुछ ट्रू एंड फॉल्स फुटेज आप न्यूज चैनल पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। इवन पुतिन ने धमकी दे रखी है कि जो भी कंट्री इस वॉर में इंटरफेयर करेगा, रशिया मे स्टार्ट न्यूक्लियर वॉर। कॉन्सिक्वेंटली सारे पावरफुल देश इकोनॉमिक सैंक्शंस की बांसुरी बजा रहे हैं और यूएनओ सो रहा है। वैसे मैं बता दूं, इकोनॉमिक सैंक्शन का नुकसान दोनों देशों को होता है, जो लगा रहा हो उसे भी और जिस पर लगा हो उसे भी। सो इकोनॉमिक सैंक्शन का डर रशिया के लिए उतना ही इफेक्टिव है जितना 2012 में दुनिया के खत्म होने का था। वैसे करंट सिचुएशन के हिसाब से रशिया यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर कर लिया है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग हियर, तब सिचुएशन काफी बिगड़ सकती है। रशियन आर्मी यूक्रेन के एक के बाद एक टाउन को कैप्चर करती जा रही है एंड जो बाइडेन उनके ग्रुप के कंट्रीज इस आग को ऐसे बुझाने की कोशिश कर रही है। वैसे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? और फिर हमें इसकी याद आ जाती है, शायद आपने नोटिस नहीं किया, रशिया नेवर गॉट अग्रेसिव विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज when this man was in power. जिस तरह से रशिया बिहेव कर रहा है, सिचुएशन कंप्लीटली थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है। बट अफ्रीका इज नॉट रेडी। I repeat, Africa is not ready. At the same time, Ukrainian ambassador to India was saying this. Yes, Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? Of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji will try to influence somehow Putin. We shall be also most grateful to the Modi ji for some words of support and maybe practical assistance to Ukraine. Wah, kya scene hai? वाह क्या सीन है! कितना आयरनिक है ना, सेम यूक्रेन 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को यूएन में स्ट्रांगली अपोज कर रहा था और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया के करीब करीब अगेंस्ट ही रहता है और आज हमसे ही हेल्प मांग रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे मोदी जी ने पुतिन से इस विषय में बात की है एंड पुतिन बी लाइक, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। The main priority for Indian government is to evacuate all the Indians जो वहाँ फंसे हैं। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे
बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कील से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोगों को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। वैसे हालत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी कुछ ऐसे ही है। स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया, एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिक्स बुक की, ट्रेन की ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसी की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है, एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट, ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट है। आप मैं एक और उनका तो कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे इंडिया के लिए दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस इट्स पावर इन यूएनओ। जैसे पहले अफगानिस्तान, फिर कोरोना और बाद में यूक्रेन में यूएनओ कम्प्लीटली फेलियर साबित हो रहा है। अगर मोदी जी किसी भी तरह से इस वॉर को रोक सके, देन इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का बहुत बड़ा हकदार हो सकता है। और आई थिंक मोदी जी माइट बी थिंकिंग अबाउट दिस।